सड़क दुर्घटना में हो रही मौतों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एडीजी यातायात के निर्देश पर स्कूलों में छात्र व छात्रा एवं ऑफिस में कर्मचारियों अधिकारियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा था, जिसके अंतर्गत शुक्रवार को यातायात विभाग की टीम गोरघर स्थित हेड पोस्ट ऑफिस पर कर्मचारी एवं अधिकारियों को यातायात नियमों की जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया। इस मौके पर TSI जग नारायण मुख्य डाकघर पर अधिकारी एवं कर्मचारियों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि ट्रैफिक के तीन भाग होते हैं, ट्रैफिक एजुकेशन, ट्रैफिक इंजीनियरिंग और ट्रैफिक व्यवस्था। पहले आप जब सड़क पर जाएं, उन्हें दाएं, बाएं और फिर दाएं देखकर ही आगे बढ़ें। इसके साथ ही जब जेब्रा क्रॉसिंग पर जाएं, तो उसे क्रॉस ना करें जब तक सिग्नल हरा ना हो। इसके साथ ही कर्मचारियों को यातायात सिग्नल के बारे में जानकारी दी गई। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CO ट्रैफिक प्रवीण सिंह ने बताया, पालन करना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से पालन करिए तो मैं सही बता रहा हूँ कि एक्सीडेंट नहीं हो सकते, कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। हेलमेट लगाना बहुत समझते हैं, हेलमेट का असर में गिरे कम से कम बचा हो, लेकिन नहीं लेते हैं और वैसे चले जाते हैं, लड़ भी जाते हैं। यहाँ के बच्चे जिनकी उम्र 18 से कम है वो 25 से इधर, ये लड़कों के एक्सीडेंट ज़्यादा हुआ है, किसके ऊपर चल हुआ है। ये लड़के गाड़ी ले लेते हैं, माता पिता दे देते हैं जिसके पास DL नहीं है, और वो गाड़ी अगर लिया तो 150 की रफ्तार में नीचे समझता है कि हमारी बेइज्जती हो रही समाज में। जी हाँ, हमारी बेइज्जती हो रही है। जब 150 की रफ्तार में चलेगा तब कहेगा कि हमको हमारी हमारी भी इज्जत बन रही है, माता पिता की तो बनी रही है। गाड़ी हाँ, माता पिता की तो बनी रही है, तो माता पिता की जो जनमानस जो कह रहा तो सुनाइए दे रहा, इनकी भी हो रही है। उसमें भी अगर गाड़ी उनकी पा गए मैं तो किसी कीमत मैं छोड़ता नहीं, मैं उनकी गाड़ी सीज जरूर करता। अगर तीन सवारी, एक और आया है इस तरह की गाड़ी चला रहे हैं आजकल, ऐसे चला, ये पता नहीं कौन तरीका आ गया है ऐसे चलाने का, ऐसे वाहन चलाने, ऐसे चलाने से, तेज गति चलाने से दुर्घटना हो सकती है, निरीह लोगों की दुर्घटना हो जाएगी, वैसे लोग हो जाएगी जिनकी कोई गलती मोबाइल फोन हाँ जी मोबाइल फोन में लगा लिए, ऐसे कान में लगाए चले जा रहे हैं। अरे उपेंद्र भैया कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? उपेंद्र भैया का कान में चप्पा है, सुनाई दे रहा है हमारी बात सुने उपेंद्र भाई की क्या कह रहे हैं। और एक और खतरा है, कान में लगाए उपेंद्र को बुलाने को नहीं सुनते, अगर साल बाद कान की नहीं लगा दीजिए तो ऐसे उपेंद्र को कुछ सुना, इससे बचना है। अभी आप लोगों ने सुना होगा, हम सभी लोग कर्मचारी अधिकारी हैं, भदोही में बच्चों को लेकर जा रहा था मानव रही क्रॉसिंग पार नहीं, और कान में फोन लगाने की वजह से एक्सीडेंट बड़े पैमाने पर ऐसे हुआ, बच्चे मरे, इससे वंचित रहना, इसको रोकना हम सभी को, ये मेरा ही काम नहीं, सब लोग का काम है, सब साथियों का काम है, सभी लोग इसकी ध्यान दें। हमारे चौराहे दो तीन चौराहे जिसमें ये लाइट से सीमत चलता है, लाइट व्यवस्था जैसे आपको बोल रहे अकोल घर की स्थिति देख लीजिए, आने वाले हैं बाएँ वाला रोड पसंद देते हैं, बाएँ को जाना है, बाएँ के लिए कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं, बाएँ हरा हम चलता बाएँ बाएँ रास्ता जाना है, और उनको जाना है दाहिने जी तो जगह नहीं मिला तो बाएँ खड़े हो गए। अच्छा मिला, और दूसरी बात रेड लाइट हो गया है, जब रेड लाइट हो गया है तो आपको स्टॉप लाइन पर खड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन करते का है धीरे धीरे ताकते रहते हैं, मोहंगा उधर है सिपाही उधर देख रहा है, धीरे धीरे आप सड़कते सड़कते जहाँ सिपाही आए लैंड पर रेगुलेट करता है वहाँ खड़े हो जाते हैं, जब तक तब तक इधर वाला दिन हो गया आए तक खड़े हैं, उधर वाले आपको चीज लगते हैं झगड़ते हैं उठते हैं बोलते हैं, ये चीज़ से बचना, उसको समझा देंगे तो आपको उल्टा बोलने से रॉन्ग साइड चलते हैं, मार करने के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ मार करने के लिए बैंक रोड से आते हैं रोड पे, हाँ वहीं से वह प्रेसिडेंट होटल है दाहिने मुड़ जाते हैं, अगर दाहिने मुड़ गए तो नहीं मरना चाहिए, गलत है, वहाँ साइड चलना बिल्कुल गलत है, लेकिन चले गए तो धीमी गति से चलना चाहिए, वहाँ 150 का रफ्तार
क्योंकि उनकी अनुमति चलने की बना रही है कि पुलिस आए आपकी चलान करे, तब आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन लेंगे, ड्राइवर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे और बीमा लेंगे। ये नहीं निर्भर आप स्वयं इस काम का करना चाहिए। हर व्यक्ति का, चाहे वो स्कूल का बच्चा हो, चाहे वो किसी विद्यालय का हो, कहीं भी कार्यालय का हो, चाहे किसी पुलिस विभाग का हो, सभी के लिए है कि हेलमेट लेकर के चले, नशे की हालत में वाहन न चलाएं, एयरफोर्स का प्रयोग न प्रयोग न करें। बिल्कुल, ये जागरूकता अभियान शासन के स्पष्ट निर्देश के काम में डीजी ट्रैफिक एडीजी साहब के निर्देश में ये चलाया जा रहा है, जिसमें हम स्कूलों के अलावा जो प्राइवेट संस्थान हैं और अन्य जो सरकारी संस्थान हैं वहाँ भी हम डेली किसी एक संस्थान को चुन रहे हैं, वहाँ पे हम जा रहे हैं, वहाँ के लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं, कर्मचारियों को जागरूक कर रहे हैं, वहाँ जो भी अभिभावक आ रहे हैं या तमाम तरह से जो भी प्रचार माध्यम है उन माध्यमों का इस्तेमाल करके हम अपनी बात को कि लोग ये ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें, इसको हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुँचे, इसलिए इन तमाम बिंदुओं पर काम किया जाए।